दिशा। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अर्थात रक्त का थक्का बनना। तो जो रक्त का थक्का बनता है वो कैसे बन जाता है, उसकी उसका एक ग्राफ के रूप में हम चार्ट बना के देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है। ब्लड क्लॉट अर्थात जिसे हम रक्त का थक्का भी कहते हैं, इसकी क्रिया से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इसमें होता क्या है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कई प्रोटीन भाग लेती हैं और ये प्रोटीन जो है वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होती है तो होता क्या है, चोट लगती है और चोट लगने के बाद ही क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। लेकिन जो ब्लड बाहर आता है वो कुछ समय बाद रुक जाता है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, समझ गए। तो ब्लड का क्लॉट बनता कैसे है आज हम उस क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसमें होता क्या, ब्लड जब बाहर आता है तो वो जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है। देन जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं, यानी जैसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, और एक नए प्रोटीन का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। अब यही जो प्रोथ्रोम्बिन है, हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कैल्शियम आयन से क्रिया कर लेती है और कैल्शियम आयन से क्रिया करने के बाद ये क्या बना लेती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करती है। अब बात आती है कि चोट लगने पर तो ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, यानी कि रक्त में थक्का बनाने की क्रिया पाई जाती है। तो क्या जो हमारे शरीर में नलिकाएं हैं वहां भी रक्त का थक्का बनता है, नहीं। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यही जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसे रोकता कौन है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हेपेरिन प्रोटीन। क्या कहते हैं ये भाई, नोट कर लेना फॉर नीट एग्जाम, हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी रक्त नलिकाओं में ब्लड का क्लॉट बनने से रोकती है। अर्थात यानी कि अगर रक्त नलिकाओं में ब्लड का क्लॉट बन जाएगा तो क्या होगा, रक्त का परिसंचरण रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन का काम करता है, अर्थात ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है। तो हम जो ब्लड का क्लॉट है उसमें उसकी क्रिया को एक ग्राफ के रूप में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति को चोट लगती है यानी कि एक्सीडेंट होता है, चोट लगना, ओके। तो चोट लगने के बाद क्या होता है, रक्त का बाहर आना। अब जब रक्त बाहर आता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, कौन सी प्रोटीन बना लेता है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन बनते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो क्या होती है, टूट जाती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, टूट जाती हैं, जिससे क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करती है, मैंने बताया था हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है उससे यह क्रिया कर लेता है और कैल्शियम आयन से क्रिया करके ये क्या कर लेता है, एक दूसरे प्रोटीन का निर्माण कर लेता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन। अब जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है यही प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन का जाल पाया जाता है। ये फाइब्रिनोजन का जाल कैसे बनता है, एक प्रोटीन होती है जैसे कहते हैं फाइब्रिन,
ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये पतले पतले धागे नुमा प्रोटीन है जो कि एक जाल का निर्माण करती है। जब ब्लड बाहर निकलता है तो वहां पे क्या होता है, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो एक जाल का निर्माण कर लेती है और जो ब्लड है वहां पे जाकर फंस जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट। तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ये क्या कर लेती है, ये बना लेती है फाइब्रिन प्रोटीन। क्या बना लेती है, फाइब्रिन प्रोटीन। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है मेरा, इसी वजह से वीडियो में भी मैं लेट हो गई हूँ। तो आगे चलते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन का जाल बना लेता है। फाइब्रिनोजेन का जाल बना लेता है। इस जाल का कार्य क्या है, इस जाल में जो ब्लड है वो आकर के फंस जाता है और क्या बन जाता है, रक्त का थक्का, जिसे हम ब्लड क्लॉट भी कहते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो मैंने क्या बताया आपको, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड बाहर आता है और जो ब्लड बाहर आता है वो हमारे शरीर में जो कई थर्मोप्लास्टिन यानी कि प्लेटलेट्स हैं वो टूट करके क्या बनाती है, कई प्रकार की प्रोटीन बनाती है और अंत में फाइब्रिन प्रोटीन बनती है जो कि क्या बना लेती है, फाइब्रिनोजेन का जाल बना लेती है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन का जाल बनना, और ये जो फाइब्रिनोजेन का जाल है वो क्या करता है, स्थायी रूप से हो जाता है, वहां पे ब्लड आकर के फंस जाता है, ब्लड वहां से बाहर नहीं जा पाता है, ब्लड यहाँ पे क्या होता है, जम जाता है। इसी जमे हुए ब्लड को हम क्या कहते हैं, ब्लड का क्लॉट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।